हेलो। हाँ वर्षा, क्या कर रही है? और लेट नहीं गई? अरे बहन, मैं तो अभी बर्तन धोकर आई हूँ। हाँ, अरे हमारे लिए क्या सर्दी क्या गर्मी। हाँ, अरे बैठने के लिए तो माँ बैठी है ना, चौतरासी बैठ रहती है, बेड भी पिचक गया वहाँ। हाँ, एक इस कोने पे एक इस कोने पे। अरे बहन, तू लहंगा भी कह रही है? तू लहंगा ले आई, मेरी सास धोती दिलवा दे, साड़ी की तो दूर की बात है। मेरे टाइम पे तो बटुआ खाली हो जाता है, कंगाली नहीं खत्म होती इनकी। और पता है, बेटियों को भरने के लिए बुढ़े बुढ़िया दोनों, बेटी को ये दे दे बेटी को वो दे दे, बस ये करते। तीज त्योहार नहीं हो तो भी बेटियों के लिए तो भरे में भरा यो करके पूछती है, कोई कमी तो नहीं रह गई? कमी रह गई हो तो ना और भेजें। गुस्सा तो ऐसी आती है कि तुम ही चले जाओ, तुम भैया बाप की कमी है वहाँ। हाँ, तो मेरी तो जान वैसे ही खाते हैं, तो क्या करेंगे? जाओ बेटियों के, तब देते बेटियों को, तो बहू के पास रह के क्या करेंगे? अरे पर कह नहीं पाती हूँ। अरे वो तो बढ़िया है, आदमी अच्छे हैं। हाँ, उन्हीं के भरोसे गाड़ी चल रही है, कहीं आदमी और ऐसा ही मिल जाए तो कब का हमारा तो काम खत्म। अरे बहन, देखना पड़ता है, बाहर में आने चल, देखेंगे। अच्छा रखती हूँ ना, ठीक है। ये किसका फोन आ रहा है, जब से बज रहा है? बड़ी भाभी, लगता है गलती से मिल गया, ऐसे तो कभी याद नहीं करती है। हेलो। हाँ भाभी, राम राम। हाँ भाभी, बढ़िया है, तुम बताओ। अच्छा हाँ भाभी, बहू खूब बढ़िया है। बहू को क्या हो रहा है? खूब तो हट्टी कट्टी है। अरे भाभी, सारा दिन कुछ ना कुछ खाती रहती है, सारा दिन इस लड़की का मुंह चलता रहता है। हाँ, और देखो, मन होता है तो मुझे पूछ लेती है, नहीं तो उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर चरू नहीं तो ये सारा दिन इतना काम करवाती है, वो कैसे करूंगी? अरे भाभी, अब तुम्हें क्या बताऊं, हमसे ही गलती हो गई, नहीं तो मेरे लड़के के लिए इतनी दूर दूर से रिश्ते आ रहे थे, इतने अच्छे अच्छे हाँ, हमारी मति मारी गई, सो इससे शादी करवा दी। अच्छा, दूर दूर से रिश्ते आ रहे थे, अभी बताती हूँ। पर अब कोई बात नहीं है भाभी, देखो काटनी तो है ही है, सो काट रहे हैं, अब कर क्या सकते हैं। मामी जी नमस्ते। मामी जी, दूर दूर से रिश्ते तो आएंगे ही, क्योंकि पास वालों को तो इन माँ बेटा के लक्षण पता जो थे, वो तो मेरी किस्मत फूटी थी जो मेरे पापा इनके झांसे में आ गए। माँ जी, ज्यादा दूर दूर करोगी ना तो दूर ही भेज दूंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी क्यूट गर्ल के बारे में। अपनी सास बहू का नाटक करके सबका दिल जीत रही हैं। जो ओरिजिनल कंटेंट की वजह से इनकी वीडियो में चार चांद लग जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नित्या लोक के बारे में। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे तो आप लोगों ने इनकी वीडियो जरूर देखी होंगी। तो आप लोगों को ये कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये चलकर हम कुछ वायरल वीडियो दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो दिखाते हैं। दीदी, खाना बन गया, खाना ले आओ। हाँ ले आओ, अभी खा लूंगी, ठीक है। मम्मी, आप भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं हो? देखो कैसे कंधे पर पल्लू डाल के डोल रही है। घर में बहुओं को थोड़ा तमीज से रहना चाहिए। कह तो सही रही है तू, ला आने दे अभी से। लो दीदी। क्यों बाबू, तू कुछ ज्यादा मॉडल हो गई है, सो सर पे पल्लू नहीं रखती है, चुपचाप सर पे पल्लू रखा कर, ठीक है माँ जी। और भाभी सुनो, आपको पता नहीं है खाने के साथ पानी देना होता है, पानी ले आओ मेरे लिए एक गिलास। ठीक है, लाई दीदी। मम्मी देखो, ये सब्जी कैसी बेकार सी है, और ये देखो पराठा कैसा कच्चा सा है, अब कैसे खाऊं मैं? अच्छा तू रुक, अभी आने दे से। लो दीदी। बहू, तुझे कुछ काम आता भी है या नहीं? ये कैसा खाना बनाया है? मेरी बेटी ऐसा खाना खाएगी, लेकर जाए इसे, वो दूसरा खाना बना कर ला। ठीक है, लाती हूँ बना के। मम्मी ऐसे ही कसके रखा करो थोड़ा, नहीं तो बहू हाथ से निकल जाती है। सही कह रही है, अब ऐसे ही रखूंगी इसको, बहुत पन निकल आया ना इसके। क्या करूं इनका, जब से आएंगे जब से कलेश मचा कर रख रखा है, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ। दीदी अपना फोन देना थोड़ा। क्यों भाभी, फोन क्यों? वो मुझे आपकी ननद का नंबर चाहिए था। इसकी ननद को फोन क्यों करेगी तू? क्योंकि उनसे ये बोलूंगी कि अपनी भाभी से सीख ले लें थोड़ा, कि अपने मायके में आके कैसे भाभियों के लिए कलेश करवाते हैं।